हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे विविध प्रश्नावली जो कि प्रश्नावली 3A है, 3E, ठीक है। आज क्या करेंगे हम 3E को सबसे अंत, ये वीडियो है प्रश्नावली 3A का, आप व्यू का, इसे आज हम खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसका कौन सा आंसर सही होगा। अभी मैं लाइव सेशन चला रहा था लेकिन उसमें नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे लाइव सेशन को ऑफ करना पड़ा। चलिए फिर से मैं अगेन लाइव हो चुका हूँ और मैं आपको यहाँ पे इस बार कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप व्यू 0110 का क्रम होगा, तो इसका क्रम बहुत लोगों ने आंसर बी दिया था, तो मैं यहाँ पे बी टिक कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यदि ए बराबर वैल्यू दिया है, बी बराबर वैल्यू दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी, आप लोगों ने इसका आंसर दिया था इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने आंसर दे दिया था लाइव सेशन में, आप लोगों को पता होगा सी नंबर आपने भी आंसर दिया था, क्योंकि लाइव सेशन नहीं चला था इसकी वजह से मैं रुक गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 हमारा ये जो दिख रहा है युग्मों समान होंगे, मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम इसकी तुलना अगर जीरो से करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7/3 आएगा, जो कि कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, न इसमें दिख रहा है न इसमें, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 3×3 कोटि के ऐसे अभ्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है जी। 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करें, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बहुत लोगों का जो भी आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए कि क्या आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा था यहीं पे आपका लाइव सेशन रुक गया था, तो 6 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए नंबर आपका जो आंसर है वो अपने आंसर से आप मिला लीजिए, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, 7 नंबर, यदि एन बराबर पी तो आप व्यू 7x-5z की कोटि है, तो 7 का इसका राइट आंसर अगर ढूंढा जाए तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर है आप अपने आंसर से मैच करा लीजिए। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव सेशन को जल्द ऑफ करके नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करूँगा, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि ए का वैल्यू बी का वैल्यू है तो ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता होगा। चलिए मैं यहाँ पर जोड़ कर नहीं बता सकता, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जोड़ने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा ए नंबर, ठीक है जी। बात करेंगे 9 नंबर की, 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि आप भी ए बराबर दिया है तो -a का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन भी है, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो बस उसमें बस माइनस जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा डी नंबर का आंसर। जो वैल्यू दिख रहा है उसमें माइनस कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए बराबर बी समान कोटि के सममित अभ्यूह है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? ये एक सममित अभ्यूह होगा, सममित अभ्यूह, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है, तो इसके लिए ये विषम सममित होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विषम सममित अभ्यूह इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन लिखा है, ए बराबर वैल्यू दिया तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, यदि अल्फा का मान है तो अल्फा का मान क्या होगा भाई बता दीजिए जल्दी से? तो अल्फा का मान हो जाएगा π/3, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिख रहा है, यदि ए बराबर बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, वो कब होगा? जब वो ए बी बी ए के बराबर होगा, वो आई के बराबर होगा, तभी ये एक दूसरे के क्या होगा? व्युत्क्रम मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि ए बराबर दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार होंगे कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर बराबर आई तो क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बता देते हैं सी नंबर, 1 - α² - β γ बराबर
जीरो। 14 नंबर है, यदि एक अव्यय सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, अपना आंसर आप मैच करा लीजिए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्ग अव्यय इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस सेवन ए के बराबर है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या राइट आंसर हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिया। अब इसके बाद बचे हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, आप इसे कर लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया है, ए बी बी ए ज्ञात करना है, बराबर है कि नहीं ये भी दर्शाना है, तो ये सिंपल क्वेश्चन मैंने बता दिया इस टाइप का। पी एक्स पी वाई का मान है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए और बराबर सिद्ध करना है एक्स प्लस वाई, ये भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है। यदि लाइव सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इस लाइव सेशन में जितने क्वेश्चन कवर करने थे मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो प्रश्नावली बनाई जाएगी वो आगे से हम शुरू करेंगे 4A। ठीक है, नेक्स्ट से शुरू करेंगे 4A जो कि सारणिक से होगा, मैं सारणिक से बताऊंगा ना कि समाकलन से। ठीक है, समाकलन बताने का मतलब मुझे अवकलन बताना होगा, इसकी वजह से मैं समाकलन को ब्रेक कर रहा हूँ। अवकलन बताना होगा, अवकलन बताने से पहले मुझे सारणिक खत्म करना होगा, सारणिक के बाद हम सीधे साधता और अवकलन शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लाइव सेशन में बस इतना ही।